प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंशन। टेंशन? तो मोहन इज डूइंग ए गुड वर्क, इसका हिंदी में मतलब हुआ मोहन अच्छा काम कर रहा है। तो तुम बताओ राधा इज डूइंग ए गुड वर्क, इसको हिंदी में ट्रांसलेट करके तू बता भाई, तू बताओ। मोहन इज डूइंग अ गुड वर्क, मोहन काम कर रहा है, मोहन काम पे लग गया ना जी। अरे और 3000 रुपए महीना कमा रही है, हम भी जाएंगे फैक्ट्री। राधा क्या कर रही है इंग्लिश में? सर राधा तो ये पूछ ले इससे बेटा, मां कसम मैंने खुद देखा सर, जुम्मे रात के बाजार में छेड़ लिया। बेटे तू बाहर को आ जा। ओह नो राधा। और क्या सर, बेहिसाब लोंडे छेड़ ली गुप्ता जी के होटल पे, मैं जा रही हूं, मुझे यूं कर गई चैन, वो तो मैं शरीफ लोंडा। मुरादाबाद के यूट्यूबर द्वारा धार्मिक भावनाओं को भड़काने वाली वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद हरकत में आई पुलिस ने गंभीर धाराओं के तहत थाना पागबाड़ा में मुकदमा दर्ज करते हुए चैनल के संचालक को गिरफ्तार करते हुए अग्रिम कार्यवाही शुरू कर दी है। दरअसल राउंड टू हेल के नाम से मुरादाबाद के पागबाड़ा इलाके से संचालित यूट्यूब चैनल के द्वारा हिंदुओं की धार्मिक भावनाओं को भड़काने वाले वीडियो अपलोड किए गए थे, जिसमें वसीम और उसके साथियों द्वारा हिंदू देवी देवताओं को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी की गई है, जिसे लेकर हिंदू समाज में रोष व्याप्त हो गया है, जिसके बाद मुरादाबाद पुलिस हरकत में आई और मूल रूप से थाना पागबाड़ा इलाके के रहने वाले यूट्यूबरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। इन यूट्यूबरों ने श्री कृष्ण और राधा जी के लिए आपत्तिजनक और भड़काऊ शब्दों का प्रयोग किया है। इस पर जानकारी देते हुए एसपी सिटी अखिलेश भदौरिया ने बताया कि वसीम नाम के युवक से पूछताछ की जा रही है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार शाम के समय चैनल संचालक वसीम को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया है। थाना पागवाड़ा पर एक प्रकरण कल संज्ञान में आया था कि एक कोई यूट्यूब चैनल है राउंड टू हेल, उसके द्वारा एक वीडियो अपलोड किया गया था जो कल संज्ञान में आया हम लोगों के भी, और उसमें ये बताया जा रहा था कि एक संप्रदाय विशेष के लोगों के प्रति उसमें टिप्पणी है जिससे धार्मिक भावनाएं आहत हुई हैं। उस संबंध में एक अभियोग थाना पागवाड़ा पर पंजीकृत किया गया है पुलिस की तरफ से, और उस जो चैनल है यूट्यूब उसको चलाने वाला व्यक्ति है जिसका नाम वसीम है, उसको हम लोगों ने अभी पूछताछ के लिए बुलाया है, उसे जानकारी की जा रही है। और साथ ही उस जो पब्लिक डोमेन में है जो चैनल वीडियो भी, उसमें और कौन साथी हैं उसके, उन सब के विषय में भी उससे बातचीत की जा रही है, और जो भी इसमें विधिक होगा वो अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। कितने लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया अभी? प्राथमिक रूप से ये जो यूट्यूब चैनल का जो मालिक है उसके विरुद्ध अभियोग पंजीकृत हुआ था ये, और उसके और साथी कौन है अभी जानकारी हम लोग कर रहे हैं। किन धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ? धाराएँ जो धार्मिक भावनाओं को भड़काने के संबंध में जो IPC में सेक्शंस हैं उन्हीं के तहत ही अभियोग पंजीकृत हुआ है। क्या इसमें अभी किसी को गिरफ्तारी वगैरह? अभी हम लोग पूछताछ कर रहे हैं, जो भी साक्ष्य आएगा उसके हिसाब से कार्रवाई।